नमस्कार साथियों, तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे NCERT बुक्स के बारे में। ठीक है, कौन सी NCERT बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़ना चाहिए, तो इससे संबंधित आपके कुछ सामान्य क्वेश्चंस रहते हैं। क्या NCERT पढ़ना ज़रूरी है, और फिर पढ़ा जाए तो कौन सी इसका संस्करण पढ़ा जाए, नया या पुराना, और इन्हें कैसा कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, और NCERT का नोट्स बनाना आवश्यक है या नहीं, NCERT किताबें कितनी बार पढ़नी चाहिए, और कौन कौन सी NCERT किताब पढ़नी चाहिए, तो आप लोगों को सभी क्वेश्चनों के जवाब दूंगा मैं। ठीक है, आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे आज सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। याद रखिए, जो छात्र NCERT बुक्स को गंभीरता से नहीं लेते हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, जो सोचते हैं NCERT ना पढ़ के क्लियर किया जा सकता है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। याद रखिए, NCERT पुस्तक उसी तरह है IAS के लिए, जिस तरह आप लोग कह सकते हैं शादी में दूल्हा दुल्हन का होना उपस्थित ज़रूरी है। जैसे कि अगर दूल्हा या दुल्हन में से कोई एक उपस्थित नहीं है तो वो शादी नहीं हो सकती है। इसी प्रकार याद रखिए, IAS अगर आपको बनना है तो NCERT जरूरी, बहुत ही ज़रूरी है। अब ये नहीं कह सकते हम कि कई उदाहरण मिलेंगे, कई लोग कहेंगे कि हमने NCERT नहीं पढ़ी फिर भी IAS बन गए, मैं ये नहीं मानता हूँ। अगर IAS जो लोग बनते हैं या IPS, वो NCERT ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि NCERT कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करती हैं NCERT। ठीक है, और इनसे संबंधित कई तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह धनुष का कोई महत्व नहीं रहता है अगर तीर ना हो, तो उसी तरह हमारा NCERT का महत्व है। ठीक है, तो ये तीर है हमारा NCERT। तो इसमें बात करते हैं हम लोग कौन कौन सी ज़रूरी है NCERT। ठीक है, तो हमें 6 से 12 तक पढ़नी है, कक्षा 6 से लेकर 12 तक। ओल्ड या न्यू या ओल्ड कोई भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप दोनों बहुत बढ़िया हैं, दोनों संस्करण काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कौन सी NCERT पढ़नी है। तो कक्षा 6 की बात करते हैं हम लोग, कक्षा 6वीं की। तो इसमें हम लोगों को बात करनी है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1, फिर बात करना है हमें हमारा अतीत, फिर पृथ्वी हमारा आवास और विज्ञान। इस तरह कक्षा 6वीं में हमें चार पुस्तकें पढ़नी है NCERT की। ठीक है, कौन कौन सी, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1, हमारा अतीत, पृथ्वी हमारा आवास और विज्ञान। फिर बात करते हैं हम लोग कक्षा 7वीं की। तो इसमें हम लोगों को कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है NCERT की, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड, हमारा अतीत सेकंड, हमारा पर्यावरण और विज्ञान। तो NCERT कक्षा 6वीं 7वीं में 4 बुक्स पढ़नी है आपको। ठीक है, ये सभी। फिर है कक्षा 8वीं, तो 8वीं में हमें बात करनी है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3rd, हमारा अतीत 3rd, संसाधन और विकास और विज्ञान। कक्षा 8वीं में भी 4 पुस्तकें हमें पढ़नी है। ठीक, फिर आता है कक्षा 9वीं, कौन सा, कक्षा 9वीं। तो इसमें बात करनी है हमें लोकतांत्रिक राजनीति 1st, समकालीन भारत 1st, अर्थशास्त्र, भारत और समकालीन विश्व और विज्ञान। इस प्रकार 5 बुक्स पढ़नी है कक्षा 9वीं में। याद रखिए, जो कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं होती है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती है, बहुत ही सामान्य भाषा में लिखी रहती है ये। ठीक है, कक्षा 9वीं से जो है ये सभी IAS में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इनसे। ठीक, तो कक्षा 8वीं तक बेसिक्स क्लियर करने के लिए हैं, और बहुत ही सरल भाषा में रहती हैं। आप लोग इसे बहुत ही जल्दी 1 सप्ताह में ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल भाषा रहती है। ठीक, यहाँ से ध्यान लगाने वाली कुछ बात है, ध्यान से पढ़ना है कक्षा 9वीं से। तो इसमें हमें 5 किताबें पढ़नी है, देख ही ली। फिर कक्षा आती है हमारी 10, कक्षा 10।
तो इसमें लोकतांत्रिक राजनीतिक सेकंड, समकालीन भारत सेकंड, भारतीय विकास की समझ, फिर पांच चौथे भी है भारत और समकालीन विश्व सेकंड, और विज्ञान। इस प्रकार पांच भाषाएं हैं, पांच किताबें पढ़नी है कक्षा दसवीं में। याद रखिए इनका जो कवर पेज है उसी पर यही नाम लिखे होंगे, जब आप खरीदने जाओगे तो उन्हीं पर इसी यही नाम लिखे होंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग कक्षा ग्यारहवीं की। तो कक्षा ग्यारहवीं में समाज शास्त्र में हमें बात करनी है समाज का बोध। कक्षा बारहवीं की बात करें तो इसमें भारतीय समाज, और कक्षा बारहवीं में एक दूसरे भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास, ठीक है। ये तीन किताबें समाज शास्त्र में हमें ग्यारहवीं और बारहवीं में पढ़ना है। फिर बात करेंगे हम लोग राजनीति विज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोग कक्षा ग्यारहवीं की जो बुक्स हैं उनमें बात करेंगे हम लोग राजनीतिक सिद्धांत, और दूसरी भारत का संविधान सिद्धांत और सिद्धांत और व्यवहार। कक्षा बारहवीं की बात करें तो राजनीतिक विज्ञान में पढ़ेंगे समकालीन विश्व राजनीति और स्वतंत्र भारत में राजनीति, ठीक है, ये बुक्स देखनी है। भूगोल की बात करें हम लोग तो भूगोल में हमें बात करनी है, कक्षा ग्यारहवीं में हम देखेंगे भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और फिर बात करेंगे भारत और भौतिक पर्यावरण। क्लास ट्वेल्थ कक्षा बारहवीं में बात करेंगे भूगोल में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, भारत लोग और अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये सभी भूगोल में हम लोग किताबें पढ़ेंगे ग्यारहवीं बारहवीं। फिर आता है इतिहास, ठीक है, तो इतिहास में हम लोग बात करेंगे विश्व इतिहास के कुछ विषय, ठीक है, और कक्षा ग्यारहवीं की है, ठीक है। कक्षा बारहवीं में बात करेंगे हम लोग भारतीय इतिहास के कुछ विषय, एक पार्ट एक है, फिर भारतीय इतिहास के कुछ विषय सेकंड पार्ट, भारतीय इतिहास के विषय पार्ट थर्ड, ठीक है। फिर अर्थव्यवस्था की बात करें हम तो अर्थव्यवस्था में बात करेंगे हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ठीक है। तो इस प्रकार ये हैं हमारी सभी एनसीईआरटी बुक्स। तो एक बार हम आपको बता देते हैं कक्षा छठवीं में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी हमारा आवास, विज्ञान तीसरी बुक होगी, हमारा अतीत फर्स्ट, चौथी बुक होगी कक्षा छठवीं में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट। केवल चार किताबें पढ़नी है हम लोगों को कक्षा छठवीं की, ठीक है, एनसीईआरटी की। कक्षा सात में हम लोग आए थे तो बात करेंगे हमारा पर्यावरण, दूसरी किताब होगी हमारा अतीत सेकंड, तीसरी होगी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड, चौथी होगी विज्ञान, ठीक है। कुल चार किताबें हमें कक्षा सातवीं की पढ़नी है। कक्षा आठवीं की बात करेंगे तो बात करेंगे संसाधन विकास, हमारा अतीत सेकंड, हमारा अतीत थर्ड, और फिर चौथी बुक होगी इसमें सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड, पांचवी बुक होगी विज्ञान। पांच किताबें पढ़नी है कक्षा आठवीं तक, ठीक है, आठवीं में। अब कक्षा नौवीं की बात करें तो कक्षा नौवीं में एनसीईआरटी में पढ़नी है हमें पांच बुकें, कौन कौन सी, पहली है अर्थशास्त्र, दूसरी है विज्ञान, तीसरी है भारत एवं समकालीन विश्व फर्स्ट, चौथी होगी समकालीन भारत फर्स्ट, और पांचवी होगी लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट, ठीक है। फिर आता है क्लास दस कक्षा दसवीं में, हम लोगों को कक्षा दसवीं में देखनी है आर्थिक विकास की समझ, विज्ञान तीसरी बुक है भारत एवं समकालीन विश्व सेकंड, चौथी होगी समकालीन भारत सेकंड, फिर होगी पांचवी लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट सेकंड। तो इस प्रकार हमें दसवीं में कक्षा दस की पांच किताबें पढ़नी है एनसीईआरटी की, ठीक है। फिर आते हैं क्लास एलेवेंथ में, ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे पहली होगी हमारी भारत भौतिक पर्यावरण, दूसरी है भूगोल के प्रयोगात्मक कार्य, तीसरी होगी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, चौथी होगी विश्व इतिहास के कुछ विषय, पांचवी होगी समाज का बोध, छठवीं होगी समाजशास्त्र परिचय, सातवीं होगी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, आठवीं होगी भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, नौवीं होगी राजनीति
राजनीतिक सिद्धांत। तो इस प्रकार कक्षा 11वीं में एनसीईआरटी की 9 पुस्तकें पढ़नी है 11 में, ठीक है। फिर आते हैं कक्षा 12वीं पर, तो याद रखिए 12वीं में हम लोग पहली है भारत लोक अर्थव्यवस्था, दूसरी है भूगोल का प्रयोगात्मक कार्य, तीसरी है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, चौथी है समष्टि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र एक परिचय, पांचवी होगी भारतीय समाज, छठवीं है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, सातवीं होगी भारतीय इतिहास के कुछ विषय जिनमें भाग एक भाग दो भाग तीनों भाग पढ़ना है, फिर आठवीं होगी समकालीन विश्व राजनीति और नौवीं होगी स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो इस प्रकार मैंने कक्षा 12वीं में एनसीईआरटी की 9 बुक्स पढ़नी है, ठीक है। तो आप लोगों को बता दें किस तरह पढ़ेंगे हम लोग, पढ़नी चाहिए हमें। अगर कक्षा 6वीं की हम लोग इतिहास की बुक्स उठाते हैं तो हमें इतिहास पहले ख़त्म कर लेना चाहिए कक्षा 6 से लगाकर 12 तक, जिससे हमारा एक फ्लो चार्ट बना रहता है और हमें समझ में आता रहता है, ठीक है। और हो सकता है कि आप एक ही बुक पढ़ें तो बोर होने लगें, आपका मन ना लगे पढ़ाई में, तो ऐसा करिए कि 2 सब्जेक्ट उठाइए, कौन कौन से, कोई भी आप जो भी आपका मन हो, हिस्ट्री और जियोग्राफी उठा सकते हैं, या इतिहास या राजनीति विज्ञान, जो भी आपका मन करे वो उठा सकते हैं, विज्ञान या समाजशास्त्र। इस प्रकार 2 सब्जेक्ट लीजिए और दोनों को धीरे धीरे ख़त्म करते रहिए। एक बार जब पढ़ते हैं आप तो एक नॉर्मल तरह से पढ़िए, नॉर्मल, जिससे आपको थोड़ा नॉलेज हो जाए। जब दूसरी बार आप पढ़ते हैं तब नोट्स बनाइए, मेरा यही सजेशन रहेगा, फिर आप चाहें जैसे भी पढ़ें, लेकिन हमें पढ़ना ज़रूरी है। एनसीईआरटी बुक्स से बिना कुछ नहीं होगा, ये समझ लीजिए, ठीक। इससे अच्छा है कि बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले समझ लीजिए कि हमें एनसीईआरटी पढ़ना सबसे ज़रूरी है, ठीक, अगर हमें सक्सेस होना है तो, ठीक है। अब उनका अपवाद छोड़ दीजिए, जो लोग बिना एनसीईआरटी पढ़े सक्सेस हो गए हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन अगर आपको आईएएस बनना है तो एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, ठीक। अब हम लोग कोशिश करेंगे आपके लिए कि कक्षा 6वीं से लेकर पूरी 12th तक सभी पुस्तकें पढ़ाई जाए, लेकिन हो सकता है कि बहुत टाइम लगे इन्हें पढ़ाने में, हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे, लेकिन आप लोग खरीद कर पढ़ लें। मेरी भी कोशिश रहेगी कि हम लोग कल ही से शुरू, टाइम मिले जब भी तभी से हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी। याद रखिए एनसीईआरटी एक नया फोल्डर बनेगा, उसी में जितने भी आपके लेक्चर बनेंगे उसी में डले रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे जब भी हमें टाइम मिलता है तब से हम शुरू करेंगे, ठीक है।